एक्सीडेंट की वजह से कार बंद पड़ गई, फोन में बैटरी खत्म हो चुकी है, इस पंजारी से जगह में कुछ टिक भी नहीं रहा। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, या कोई मिल क्यों नहीं रहा? कौन है बेटा, कुछ मदद चाहिए? चाचा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा, तो चल नहीं रही है। अब रात बहुत हो गई है, तो थोड़ी जगह मिलेगी, सुबह तक वेट करना है। बिल्कुल बेटा, फिक्र मत करो, आओ अंदर। अरे 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 हाल कैसे? संभाल देगा। एक बात बतानी थी बेटा। कुछ देर पहले तुम्हारी तरह एक मुसाफिर ने दरवाजा खटखटाया था, उसे भी मदद की जरूरत थी, तुम्हें उसके साथ कमरा बांटना होगा। कमरा है चाचा, जिंदगी नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। ये कहाँ है? ओ उधर वाला, तुम जाकर के बैठो। हाँ। मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए गुड नाइट। What the hell, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या, 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 क्या? क्या? हेल, हेल से बच के यहाँ पर आए हम। ये जो बाहर इतनी ठंड, इतना कोहरा, इतना अंधेरा, इतना डर लग रहा था ना हमें, ऊपर से हमारी गाड़ी को उड़ सकते ना आज के। हेलो, मैंने नहीं, तुम क्या? तुम क्या? अच्छा 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 अच्छा, अब बोलेंगे कि तुम मेरे पीछे पीछे चल के आई हो। एक सेकेंड, एक बात ना क्लियर है, एकदम क्लियर कि इस जगह पर हम आपसे पहले आए थे, तो हाँ ये कहा जा सकता है कि आप हमारे पीछे पीछे चलते हैं। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, समझी ना? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो जगह है ना, ये आपके पिताजी की नहीं है। मुझे देखी तो मैं आ गया। सुनो, तुम बकवास बंद करो प्लीज, तुम ना निकलो यहाँ से, ये कमरा मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ यार। हम आपके साथ ही रूम नहीं शेयर कर रहे, आप आए हैं हमारे साथ ये रूम शेयर करने। अगर जाना है ना किसी को तो आप जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉन्सेंट्रेशन मत तोड़िएगा। कॉन्सेंट्रेशन की स्पेल नहीं आती है तुमको? हाँ नहीं आती, तो क्या हो गया? एक स्पेलिंग आती है ना हमें, सुना है? वाई ओ जी ए, योगा, जो कि हम कर रहे हैं, तो वह करने दीजिए। हाँ आपको क्या पता इस पतली कमर पे ना कितना मोटा पैसा लगा है, तो प्लीज हमें करने दीजिए। अरे आधी रात को योगा कौन करता है? तुम ना पहले आधी पागल थी, अब पूरी मेंटल हो चुकी, और तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो मैं भी मेंटल हो जाऊंगा। I'm going, thank you. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ठंड में कुल्फी जमेगी ना तब वापस यही पर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पर आपकी तो कुल्फी जम ही नहीं सकती ना, आपके पास वो जिम में जो साधन लेकर घूमते वो है ना, है ना? सही है। अच्छा सुनिए ना, एक एडवाइस हम आपको दे, बूंद बूंद करके पीजिएगा, सारी रात चलेगी, सारी रात गर्मी मिलेगी ना। आप क्या योगा करने लग गए हमारी चिटिंग में? एक एडवाइस और दे, हाँ शॉफ करना बंद कीजिए, ये इतना गुस्सा दिखाना झूठ मूठ का, आराम से रिलैक्स कर लीजिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे, सच बता रहे हैं। क्या करूं मैं रिलैक्स करने के लिए, ये तमाशा, ये उल्टा सीधा योगा। एक सेकंड, बहुत हुआ आपका तमाशा, ये सुपरस्टार गुरुदिन का योगा आपको तमाशा लग रहा है? और क्या है ये, हम बताते हैं क्या है ये, स्ट्रेस बस्टर। ये ऐसे गुस्से को दूर रखने के लिए ना स्ट्रेस बस्टर यूज करना पड़ता है। आपको क्या पता जब कोई हीरोइन बनता है तो उसको कितनी टेंशन आती है साथ में? एक मिनट, आपको समझ में क्या आएगा टेंशन का मतलब? आपके लिए तो टेंशन क्या होती है, हाँ अरे मसाला एक चुटकी डालू, एक चुटकी नमक डालू कि दो चुटकी डालू। ये जो हेलो हेलो, इस गुस्से से दूर रहने के लिए हम ये सब करते हैं, फ्रेश रहने के लिए। पर नहीं, आपको कहाँ समझ में आएगी हेल्दी लाइफ, आपके पास तो समझना भी नहीं है मुझे तुम्हारा ये हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं अपनी हेल्थ और फ्रेशनेस ना अपनी जेब में लेके चलता हूँ, समझी तुम? और मुझे ना तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि हाउ आई नीड टू लिव माय लाइफ, आई कैन टेक माय ओन डिसीजंस, और मैं लूंगा। और मेरा डिसीजन ये है कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, नॉट गुड टू सी यू, नमस्कार। सत्यानाश चाचा, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, कहाँ पता नहीं मेरा ध्यान आजकल ना बेकार की चीजों में लगा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, ये खिचड़ी तो खा नहीं सकते, हाँ दूसरी बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा ना।
अरे तब तक तुम लोग अपनी जान पहचान बढ़ाओ। देख लिया कितना गुस्सा करते हैं आप, बाबा जी का इतना नुकसान करा दिया आपने बिना बात के। जी तो करता तुम्हारा गला घोट दूं, तुम चुप क्यों नहीं करते यार? चाहते क्या है आप? कभी कहते थप्पड़ मारना है, कभी कहते गला को कितने चांस से मार दीजिए हमें। नहीं 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 नहीं, मकसद समझ में आ गया हमें आपका, छूने का बहाना ढूंढना चाहते हैं ना। हेलो 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 हेलो, बकवास तो अपनी बंद करो तुम, समझी ना। और ये जो खिचड़ी गिरी है ना, ये तुम्हारी गलती है, तुम जिम्मेदार हो इसकी, समझी। आपको क्या साइको वाइको हो गए क्या दारू पी पी के? मतलब जो भी गलत होगी वो हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और मैं बताता हूँ कैसे ये सब यहाँ हुआ, क्योंकि तुम यहाँ हो। तुम जहाँ जाती हो गलत होता है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है, तुम इंसान ही गलत हो। अच्छा, मतलब अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो आप कुछ भी बोलते रहेंगे। अपना फायदा मत उठाइए कि हम चुप रहते, आपको पलट के जवाब नहीं देते तो आप कुछ भी बोलते चुप रहते। कैसे बोल दिया आपने? एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आंख का पानी। मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना। लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों नहीं करता हूँ मैं तुमसे प्यार, गुड्डन। समझ में आया तुमको? नहीं करता हूँ तुमसे प्यार मैं। ऐलान करता हूँ मैं ये कि गुड्डन गलत है और अंतरा सही, और यही मेरा सच है, और इस सिंदर भवन का सच भी अब यही है, बस। हम जा रहे हैं बाबा की मदद करने। आपको तो वैसे भी कुछ पड़ी नहीं है किसी की, इंसानियत होगी तो पड़ी होगी ना। सोचने वोचने की तो क्षमता खत्म हो ही गई आपकी सभी। और वैसे भी किसी में दिल होगा तो ही वो सोचेगा ना, पत्थर थोड़ी सोचते हैं। उम्मीद भी नहीं बची आपसे कोई। और लोग कहाँ हैं? विमल कमल जल्दी यहाँ पे आओ, जाओ जाकर देखो नाश्ता वास्ता रेडी है कि नहीं। और देखो बैंकवेट हॉल वाली फीलिंग आनी चाहिए, सबके टेबल पे पानी की बॉटल रखो, सारी तैयारी एवन होनी चाहिए। जल्दी जाओ, वो लोग आते होंगे, जल्दी काम करो। ये सब हो क्या रहा है, इतनी तैयारियां? मैं बताती हूँ ना लक्ष्मी दी, आपने कहा था ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ कहा तो था। तो जो आपने मुझे ज्ञान जो आपने मुझे बताया था ना कि वो गुड्डन सुपरस्टार गुड्डन इंदौर आई हुई है, तो मैंने सोचा ना कि जनता जनार्दन को यहाँ बुला लिया जाए और थोड़ा ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। हाँ अरे देखिए क्या है कि गुड्डन को हम लोग से ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है, है ना? तो उससे क्या होगा कि उसकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी और मेरा सुंदर शक्ल टीवी पर भी आ जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? हा? अरे OMG, एक्सक्यूज मी, क्या ये गुड्डन का एक ससुराल है जहाँ पर वो तीन तीन बहुओं की सास थी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग सही घर में आए हैं। आइए आइए प्लीज। सर ये सब लक्ष्मी थी, बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ? सब ठीक? अच्छी लग रही हो ना? आप एक काम करो, कोना पकड़ के खड़ी हो जाओ, जाओ आइए आइए प्लीज बैठिए ना। पापा लाइए, हम कर देते हैं। अरे बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, मैं कर लूंगा। आपने कर लिया, वो तो आपका जो दूसरा गेस्ट है उसने सारा मैटर खराब कर दिया। अब आप हमें दीजिए, बार बार मेहनत मत कीजिए, लाइए हम देख लेंगे, दीजिए ना। आप बड़े लोग, आप कहाँ ये चूल्हा जलाना खिचड़ी पकाना, आपसे नहीं हो पाएगा। चाचा वो ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे सब कुछ अच्छे से हो सकता है गुड्डन। इसे कैसे ना हो पाएगा बाबा? दीजिए आप हमें, हमसे सब हो पाएगा। अरे खिचड़ी तो है जो हम बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लाइए दीजिए।
अरे बेटी अब तुम इतना जिद कर रही तो ये लो, देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब अपने हिसाब से देख लेना, और कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। हाँ ये लो। हा? माफ करना बेटा, बिजली चली गई, तुम लोगों के लिए ये दिया लाया, इससे कुछ मदद हो जाएगी। तुम ऐसे न देखो आंखों में मेरी, खो जाएंगे हम। खिचड़ी में खीरा डालोगी क्या? सब्जियां डलती हैं, दो काट देता हूं। अच्छा, वैसे कोई तो जाने वाला था। हाँ जाने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि तुम यहां बैठकर जो मेरी बुराइयां करोगी ना, वो मौका नहीं देना है तुम्हें। एंड एनीवे खिचड़ी मुझसे गिरी थी, नुकसान मुझसे हुआ था, तो मैं ही भरपाई करूंगा। दो, आई विल मेक इट। सही है, बड़ी जल्दी सुधर गए आप। ए हेलो, तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा ना मैंने, तो अपने पास ही रखो ना। चाचा ने चाकू कहाँ रखा है? हम क्या सोच रहे थे ना, क्या सोच रहे? ये कटाई छटाई का काम हम कर लेंगे। अगर आपको कुछ करने की इतनी इच्छा हो ही रही है तो ये चूल्हा जला दीजिए। नो थैंक यू, मैं अपनी सब्जियां खुद काटना बेहतर पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि कितनी सब्जियां डालनी है और कितनी फाइनली चॉप होनी है। Do you understand? I do. लेकिन बात क्या है ना, अपना ये टैलेंट आपको उस कंपटीशन में दिखाना चाहिए था। यहाँ पे इस टैलेंट दिखाने की कोई जगह नहीं। मुझे मेरा टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है मैडम, पूरी दुनिया जानती है, इट्स नेचुरल। तुम्हारी तरह बनावटी टैलेंट नहीं है मेरा, ओके? ओ, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें आपका टैलेंट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हम फिर से कह रहे हैं, आप प्लीज ये चूल्हा जला दीजिए, उससे आपके हाथ घिस नहीं जाएंगे। सब्जी हम खुद काट लेंगे। अच्छा काटो। काटनी तो आज तक सीखी नहीं तुमने, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर रही हो काटने की तुम। यार ये नौटंकी जो है ना तुम्हारी, इसको मुंबई में बेचो ना, वहां काम आएगी। यहां क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? ये सब्जियां मुझे दे दो, मैं काट लूंगा, चूल्हा भी मैं संभाल लूंगा और खिचड़ी भी मैं पका लूंगा। तुम मुझे पकाना बंद कर दो, बिग फेवर। ओके थैंक यू। घूर क्या रही हो? कुकिंग क्लास चल रही है क्या यहाँ पे? जाओ ना बाहर, जब हो जाएगा बुला लूंगा, आके ठूस लेना। ओके? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या कोई आपकी? कभी प्यार से आराम से बात बात करनी नहीं आती है क्या आपको? हाँ? या मतलब हमेशा से चिड़े रहना होता है? और नहीं जाएंगे कहीं, यही खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें ना आप पर नजर रखनी है, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं आप पर। आप ये इसमें पानी की जगह अपनी वो, ए हेलो 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 हेलो, बोलने से पहले ना दोबारा सोच लिया करो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी डिशेस होती है जिनमें वाइन, विस्की, बर्बन सब डलता है। एंड प्लीज खिचड़ी बनानी ना तुम मुझे नहीं सिखा सकती, आई नो इट मच बेटर देन यू, सो प्लीज इट्स माय किचन, लेट मी डू इट। क्या 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 क्या? माय किचन? यस। एक मिनट, अब हम आपको एक बात बताएं, ये ना बाबा का चूल्हा है, माय किचन नहीं है, और हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहीं खड़े रहना है तो कुछ काम भी आ ही जाओ यार। ये जो खीरा काटने लगी थी वही काट लो, टमाटर के साथ, और गाजर भी ले लेना एक, क्या सैलेड बन जाएगा। डू इट। पड़ी गई ना मेरी जरूरत। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें
हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा जमीन पे चलना तेरा हवा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना सॉरी ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता मारे इसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं ये ना दाल की खिचड़ी है दो मिनट वाले नूडल नहीं है टाइम लगता है पानी सूख जाएगा तो बन जाएगी यहीं बैठो और नजर रखना हम क्या करें यहाँ खिचड़ी तो बनेगी सैलेड भी कट गया इससे जिंदल भी गए बाबा भी पक्का कहीं चल कर रहे होंगे हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना आज खिचड़ी बनेगी तो उठ जाएंगे कितना कुछ हो गया ना आज पहले एक्सीडेंट हो गया फिर झगड़ा हो गया और भी बिना बात का इतना रहा था अब ये खीरे ही हमारे हीरे जैसी आंखों को डार्क सर्कल से बचाने में मदद कर सकते हैं चलो दोस्त दिखा दो अपना जादू चार साल हो गए हैं लेकिन आज भी तुम उतनी ही बेवकूफ हो जितनी पहले थी तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस लापरवाही से आज क्या हो सकता था चल सकती थी तुम डू यू रियलाइज दैट इतनी बड़ी हीरोइन बनती हो लेकिन अक्कल उतनी की उतनी ही है तुम्हारी यहाँ बैठ कर आंख पे खीरा रख के अपना ये फिजूल का रूटीन फॉलो करना आता है तुमको लेकिन एक छोटा सा काम दिया था तुमको वो नहीं होता तुमसे चल के तंदूर बन जाती तो कैसे छुपाती अपने काले गड्ढों को इडियट
ये ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? क्या? Relax, Mr. Jindal, सब सब ठीक है। अच्छा सर, एक एक काम कीजिए, लंबी सांस लीजिए, हम आपको बताते कैसे, ऐसे। Listen, तुम ना। हाँ, हम, हाँ। देखिए, अगर कुछ हो जाता ना, तो हमें चोट लगती, हम जलते, हम मरते। आपको थोड़ी कुछ होता, आप कितनी टेंशन ले रहे? ये ऐसा तो नहीं कि ये इतना स्ट्रेस इसलिए कि आज भी आपको फर्क पड़ता? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ओके? तुम ना अपने ये कान खोल के सुन लो। तुम निहायत ही सेल्फिश, बेवकूफ और अपने ख्यालों में जीने वाली एक लड़की हो। यू रियलाइज ये किसी और का घर है, ये किचन किसी और का है। हम दोनों यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। मैंने सिर्फ एक एक्सीडेंट होने से रोका है, दैट्स इट। आज भी सच यही है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। आई डोंट केयर, समझी?